फिर बताइए कि हमसे घर का सारा काम करवाती है जो हर एक स्त्री का होता है, खाना बनवाती है, कपड़ा धोवाती है, बर्तन भी साफ करवाती है, यहाँ तक कि अपन चप्पल भी साफ करवाती है। इसलिए गांव के लड़का सब हमको मौगा कहता है, इसलिए हमको तलाक चाहिए। हमारा भी रीजन है, ये हम पर शक करते हैं, हमको बचलन समझते हैं, बैंक में बैल जैसा हम खटते हैं, हमारे कमाई पर पूरा घर चलता है और ये हम भी को सुनाते हैं। इन्होंने हमारे सम्मान को चोट पहुंचाया है। हम गांव की औरतों की तरह नहीं है जो चुप रहेंगे, हम इनका दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे। रीजन तो आप दोनों के पास सॉलिड है, लेकिन आप दोनों की आंखों में देखकर ये नहीं लगता है कि आप दोनों को तलाक चाहिए। वैसे पेपर तैयार है हमारे पास, लेकिन हमको ये लगता है कि आप दोनों को एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी कभी गुस्से में तलाक ले तो लेता है पर जीवन भर पछताता है। कोई पछतावा नहीं होगा, वो तलाक चाहिए तो चाहिए। पापा कैसे लग रहे हैं हम? अरे बेटा बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें माँ की मेरा मतलब बूढ़ी नजर से बचाए। जाओ जाकर के साड़ी पहन करके आओ तुरंत। इस कपड़ा में क्या बुराई है? अरे लड़के वाले आ रहे हैं, देखा देखी में ये सब कपड़ा नहीं चलता है, समझी ना। जाओ जाकर के तुरंत ढंग का कपड़ा पहनो, साड़ी नहीं पहन सकती हो तो शलवार कुर्ता पहनो, ऐसा लड़का तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा का है उसमें? अरे संस्कारी है, सच झूठ नहीं बोलता है। अच्छा मतलब भकलोल है, तो ऐसा बोलो ना। अरे इसका रिश्तेदार है तो भकलोल तो होगा ही। तो इसीलिए प्रवचन दे रही हो, तुम्हारे पसंद से शादी नहीं करेंगे हम, करेंगे तो अपने पसंद से, नहीं तो पापा के पसंद से। अच्छा तो हम तुम्हारे कुछ भी नहीं है, चुपचाप जाओ और साड़ी पहन करके आओ। हम तुमको कितना बार कहें कि हमको अभी शादी नहीं करना है, नौकरी करना है, हम शादी करके अपने मर्द के कमाई पे नहीं जीना चाहते हैं, अपने कमाई पर जीना चाहते हैं। तो शादी के बाद पढ़ाई नौकरी सब कर लेना। हाँ उसमें रिस्क है और हम अभी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पता चला शादी हो गया और हमारा जिंदगी सैड सॉन्ग बन के रह गया। जाओ जाके चाय नाश्ता की तैयारी करो। जी और रसगुल्ला लीजिए ना। अच्छा तो इन नमूना ढूंढिए मम्मी हमारे लिए, कौवा सोना का कटोरी ले जाएगा, अब भी मजा चा खाते। हेलो बोल रही है फुफा जी। अरे पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न युग की छोरी है। पूछ लिए, मेरा मतलब है खा लिए तो चाय पी लीजिए। लड़की को हम लोग देख ही लिए, लड़की कितनी सुंदर सुशील है, अब घर जाके सीधा शादी का दिन रखेंगे। अरे शादी का दिन रख लीजिएगा, लड़का लड़की मिल लेता तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्या हुआ?
बिना कुछ कहे जा रहे हैं? आप ही नहीं कुछ बोल रही थी तो जा रहे थे। मिलने का बेचैनी तो आपको था, तो आप बोलिए पहले। एक बात बोले मम्मी जी, ये कितना खूबसूरत जगह है ना, पता है यहाँ पर दो नदियों का मिलन होता है, सही बोले ना? सही तो बोले, लेकिन इतना घुमा फिरा के काहे बोल रहे हैं? हम लोग नदियों के मिलन का बात करने आए हैं का यहाँ? तो क्या करने आए हैं तो आप बताइएगा, इतना सज धज क्या है? सज धज कर कहाँ आए हैं, पुराना शर्ट था इसका बटन टूट गया। वैसे एक बात बोले पम्मी जी, घर पर लोग कितना बार फोटो दिखा रहा था, हम देख ही नहीं रहे थे। गाड़ी में भैया जबरदस्ती आपका फोटो दिखा, तब जाकर देखे, फोटो देखते ही आप हमको पसंद आए। वैसे एक बात बोले पम्मी जी, हम शादी करने के मूड में नहीं थे, सोचे थे पहले सरकारी नौकरी हो जाएगी तब शादी करेंगे। तो यहाँ का आपको नौकरी मिल जाएगा सरकारी? सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप जैसा खूबसूरत लड़की भी तो नहीं मिलती। एक बात कुछ है, आप तुमको पसंद है, लेकिन हम पसंद आए कि नहीं देखिए तो? नहीं। रुकिए, अगली बार लड़की देखने जाइएगा ना तो नया शर्ट है या पुराना ये मत देखिएगा, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा शर्ट का बटन टाइट है कि नहीं। ठीक। लेकिन एक बात बोले पम्मी जी, हम दोनों में एक बात कॉमन है। अच्छा, का? पा से पम पम, पा से पम्मी। और का का कॉमन है हम दोनों के बीच में? वो तो अगली बार पता करके बताएंगे। ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी। उससे शादी नहीं होगी, और उससे शादी होगी तो तोर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमको तो लड़की पसंद है। मेरा सुंदर सपना टूट गया, हाय बेदर्द जमाना जीत गया। सुने हैं कि लड़की ये छांट दी? अच्छा छांटेगी नहीं, प्रेग्नेंट पति किसको चाहिए होता है। एक ना एक दिन वह लड़की से ब्याह करके दिखाएंगे बेटा, समझा? पीछा काहे कर रहे हैं? हम पीछा कहाँ कर रहे हैं, हम तो साथ चल रहे हैं। साथ काहे चल रहे हैं? साथ कहाँ चल रहे हैं, आप भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, चूंकि दिशा एक है इस चलते एक साथ चलने का एहसास हो रहा है। दिशा एक है तो हम दिशा बदल देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप उधर कहाँ जा रही हैं, आपका कॉलेज तो ये है। आप पीछा कर रहे हैं तो हम दिशा बदल दिए। नहीं नहीं, आप कॉलेज जाइए, हम अपनी दिशा बदल लेते हैं। लेकिन एक बात बोले, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे, आप उस दिन बोले थे ना कि हम दोनों में और क्या कॉमन है, वही ढूंढ रहे थे। चलते हैं। थक आदमी, आप मंदिर में भी पीछा कर रहे हैं? पीछा कहाँ कर रहे हैं, पूजा करने हैं। पूजा कर रहे हैं? जौन जौन भगवान के पास हम जा रहे हैं आप वहाँ पहुँच जा रहे हैं? मंदिर भी एक है, भगवान भी एक है, ऊपर से रास्ता भी एक है, तो कब फ्लाइट से उड़ के जाए? यार चलने लगा बेटा, पटा रहे हो, ये प्यार है ना कवि की कल्पना में ही अच्छी लगती है, रियल जीवन में प्यार का बुखार जितना जल्दी चढ़ता है ना उतना ही जल्दी उतरता भी है, नहीं उतरा तो हम है ना उतार देंगे।